इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। अब आप भोजपुरी रैपर हैं पहले, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है आपका? प्रणाम, मैं हूँ रैपर हितेश्वर। मैं 2-3 सालों से भोजपुरी में गाना गा रहा हूँ, हिंदी में भी गाना गाता हूँ, ऐसा नहीं है। और लेटेस्ट जो मेरा भोजपुरी गाना आया हुआ है वो तो कली मानी के माँ के हिते, उसका भोजपुरी वर्जन किया हो तो वो आपको दो लाइन सुनाता हूँ। मीठी मीठी बातें तो हर दिल के करे घायल, सुना हमर रानी दिल में बैठल बाड़ू, अरे धक धक कर तरू ऐसे जैसे जुगनू, आ थोड़ा और करीब आ खुशियों को फूल खिला, मैं अनारी मनहारी सुकुमारी नहीं तुमा, मैं मनहारी अनारी सुकुमारी नहीं तुमा। ये तो ये कैसे कर लेते हैं आप भोजपुरी में, क्योंकि रैप करना बहुत भारी काम है। रैपर नहीं है भोजपुरी में, तो भोजपुरी में कैसे कर लेते हैं सर? तो ये तो करने का मजा है, कैसे करते हैं ये तो बस परमात्मा का आशीर्वाद है और बस भगवान करा देते हैं, और हम मेहनत से पीछे हटते नहीं हैं। मेहनती हूँ, बहुत सारे म्यूज़िक इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनता हूँ और उसके जरिए कुछ म्यूज़िक में सीखने को मिलता है, जैसे कि कुछ भोजपुरी में कर दिखाएं। वेस्टर्न म्यूज़िक पे बहुत कम भोजपुरी गाना बनाया जाता है, मैं उसमें कर रहा हूँ, मतलब बोलिए तो इसमें एक्सपर्ट हूँ करने में वेस्टर्न म्यूजिक। अभी आपको एक अवार्ड सम्मानित किया गया था मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, रवि जी जी, तो किस लिए सम्मानित किया गया था जी? ये माइनॉरिटी मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष है अपना एजाज देशमुख साहब, उन्होंने बताया था कि उनके माध्यम से ये गाना बना है, बताया था कि कोई हमारी कुछ कार्यक्रम है उसमें आप कुछ मोदी जी के बारे में कुछ गाना करें, तो मैंने गाना बनाया है मोदी जी के बारे में, जैसे कि रैप है, थोड़ा अलग है, हटके है, उसका सुनाता हूँ आपको। मोदी को जिताना है, हर घर कमल खिलाना है, मोदी सिर्फ नाम नहीं मोदी एक पहचान है, मोदी जी के कामों पर हम सबको विश्वास है, देश की जनता को मोदी पर अभिमान है, देश कभी ना झुकने दूंगा ये तो साबित हो गया, परिवार का मोह त्याग कर खुद को समर्पण कर दिया, बड़े बड़े फैसले हो देश के हित में लेते हैं, किसी की ना परवाह करके सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, रातों रात लेकर फैसला नोटबंदी करवाते हैं, लुके छुपे नोटों को बाहर करवा देते हैं। मोदी सिर्फ नाम नहीं मोदी एक पहचान है, ये तो बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी के ऊपर रैप करना गाना गाना बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और भी करते रहेंगे क्योंकि उनका गुणगान अगर करें तो महीनों लग जाएंगे गुणगान करने में, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों का ही हमने दर्शाया है अपने कानों में। आपके लुक की बात करें, कहेंगे पंजाबी लुक है, आपने गले में एक मार का पहना है, चश्मा कैप है, क्या कहना चाहेंगे? अरे बादशाह, थैंक यू सो मच। लोग बोलते भी भोजपुरी बादशाह, लेकिन हम भोजपुरी हितेश्वरी बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा ऊँचा सोचते हैं कि अगर देखना है मेरे आसमान को, ऊँचा करके देख लो आसमान को, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो ऐसा कंपेयर नहीं कीजिए, हम कंपेयर नहीं करना चाहते, हम भक्त हैं अच्छे कलाकारों का, बादशाह अगर अच्छे कलाकार हैं उनके भक्त हूँ, बट हम किसी से कंपेयर करेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाए। मैं भोजपुरी गाने को उठाना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ वेस्टर्न म्यूज़िक में, उनके साथ कुछ कोलेबरेट करके कुछ अच्छा गाना बनाना चाह रहा हूँ इंटरनेशनली। भोजपुरी और वेस्टर्न का मिक्स करके कॉकटेल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो लोग पसंद करेंगे क्या सीधे साधे लोग यूपी वाले? अरे कहीं नहीं करेंगे। आरा ही ले छपरा ही ले पटना ही ले ला हतोहरी लचके ला कमरिया, सारा चीला ही ले ला हतोहरी लचके ला कमरिया। अब इसको रैप में अब छोटा पार्ट हम रैप में करें तो का ही नहीं कर सकते साहब, हमें है वैसा चीजें, वैसा मटेरियल मिलेगा तो करेंगे। सर आपका नाम पूरा नाम बता दीजिए। मैं हूँ रैपर हितेश्वर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.